Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today, we will do exercise 5.2 in our GK class. बेटा आज हम हमारी GK class में exercise 5.2 करेंगे. आप इसे ध्यान से समझेंगे और उसके बाद अपने बुक में फिल करेंगे. ओके बेटा, टिक द करेक्ट आंसर. टिक सही का निशान है. करेक्ट आंसर सही उत्तर का. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट नीडेड फॉर पर्सनल हाइजीन. विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स, कौन से जो नीचे आइटम दिए हुए हैं इनमें से कौन से इज नॉट नीडेड, कि किन आइटम्स की जरूरत नहीं होती है फॉर पर्सनल हाइजीन, पर्सनल व्यक्तिगत और हाइजीन स्वच्छता. हाइजीन मीन्स स्वच्छता. अमंग बीच में, कि ये जो हमें दिए हुए ना चारों चीजें, इनके बीच में से कौन सी चीज नहीं है, तो किसकी जरूरत हमें पर्सनल हाइजीन के लिए नहीं होती है. पर्सनल हाइजीन में समय हमारे शारीरिक, हम हमारे शरीर की जो सफाई रखते हैं, तो उनमें हम देखिए तीन चीजों का यूज करते हैं. सबसे पहले आपको दिया हुआ टावल, नेल बटम, कॉम एंड बुक. तो आप देखिए टावल की भी जरूरत होती है, कॉम की भी होती है और नेल कटर. उसके बाद क्या रहता है, बुक. बुक की जरूरत हमें पर्सनल हाइजीन में नहीं होती, हम लगाएंगे बुक पर टेप. ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन वन है. सेकंड को देखिए, बीन्स एंड पल्सिस आर एग्जांपल्स ऑफ. बीन्स और पल्सिस, सेम और दालें आर एग्जांपल्स, उदाहरण है किसके, आपको जो है नाम बताए गए हैं, एक प्रोटेक्टिव फूड, अ प्रोटेक्टिव फूड, बी बॉडी बिल्डिंग फूड, सी एनर्जी गिविंग फूड और डी नन ऑफ दी. तो बीन्स और पल्सेस जो है वो किसके एग्जांपल है, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग या हमें
फ्रॉम से, हमें ऑयल किससे नहीं मिलता है। जो हमें चीजें नीचे बताई गई हैं, उनमें से किस चीज से हमें ऑयल नहीं मिलता है। फर्स्ट नीम, नीम से मिलता है सबको पता है। बी कोकोनट, कोकोनट ऑयल मोस्टली लगाते भी होंगे, सबके घरों में भी यूज होता होगा। डी रोज, रोज ऑयल में सबको पता है। एंड डी मैंगो, मैंगो से तो ऑयल नहीं मिलता किसी को भी। तो इसमें यही पूछा है कि हमें किससे ऑयल नहीं मिलता है, मैंगो से। हमने डी पर टिक लगाया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स है हमारा, टू मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग। टू मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ताकतवर। मसल मांसपेशियां, मांसपेशियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए वी शुड, हमें चाहिए, डैश दिया हुआ है, हमें हमारी मांसपेशियों को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, वॉच कार्टून्स, कार्टून देखना चाहिए। बी सिंग सॉन्ग्स, गाने, सिंग सॉन्ग्स, गाने, गाने चाहिए। सी पर हमें दिया हुआ है रीड बुक्स, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, रीड करनी चाहिए। और बी दिया हुआ है एक्सरसाइज के, क्या हमें हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। यस, तो जो हमारा डी पार्ट है वही हमारा सही है, हमने डी पार्ट पर ही टिक लगाया है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईट द डेड एनिमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईट द डेड एनिमल्स। अब आप देखें इनमें निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। मंकी, नो। टाइगर, नो। टाइगर तो अपना शिकार खुद करता है और फिर खा लेता है। सी जैकॉल या डी जेब्रा। आप बेटा जेब्रा को देखिए, जेब्रा, जेब्रा जो है वो मांसाहारी नहीं है, वो मांस खाता ही नहीं है, तो जो जेब्रा है तो हो ही नहीं सकता है। इनमें से क्या आएगा, जैकॉल। हम सी पर टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, आइडेंटिफाई द फ्लावर। आपको ये फ्लावर दिखाया गया है, आपने इस फ्लावर को पहचाना है कि ये फ्लावर जो है ये कौन सा है। फर्स्ट रोज, सेकंड मारीगोल्ड, थर्ड जैस्मिन और फोर्थ जो डी है हमारा वो हिबिस्कस। तो इनमें से जो हमारे फ्लावर दिखाया गया है, हमें जो दिया गया है कौन से वाला है, डी पर हिबिस्कस। हम इसी पर टिक लगाएंगे, डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, विच ऑफ दीज मेक द एयर क्लीन। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा जो है मेक द एयर क्लीन, हवा को शुद्ध, हवा को साफ बनाता है। एनिमल्स, क्या एनिमल्स करते हैं हमारे जो एयर है उसको क्लीन। बी डस्ट एंड जर्म्स, डस्ट धूल एंड जर्म्स रोगाणु, जर्म्स। सी ह्यूमन बींग्स या डी प्लांट्स एंड ट्री। तो हमारे जो एयर है उसको कौन करता है क्लीन, प्लांट्स एंड ट्री। हम डी पर टिक लगाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टेंथ है हमारा, व्हाट इज द गिवन इक्विपमेंट। जो ये आपको इक्विपमेंट दिखाया गया है ये यूज फॉर, ये किस काम में आता है, ये किस लिए हम प्रयोग करते हैं। फर्स्ट इट मेक्स वाटर क्लीन, ये पानी को साफ करता है। इट मेक्स वाटर सॉल्टी, यह पानी को नमकीन बनाता है। इट मेक्स वाटर कोल्ड, यह पानी को ठंडा रखता है। या इट मेक्स वाटर वॉर्म, यह पानी को गर्म रखता है, गर्म करता है। तो इनमें से कौन क्या काम करता है, जो इक्विपमेंट हमें दिखाया गया है, जो ये उपकरण है, ये हमारे पानी को साफ करता है, प्यूरिफाई करता है। इलेवेंथ है आइडेंटिफाई दिस एनिमल। आपको एक एनिमल दिखाया गया है, यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है, आपने इस एनिमल को पहचानना है कि ये कौन सा एनिमल है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है हिप्पोपोटामस, बी पर आपको दिया हुआ है बफेलो, सी एलिफेंट एंड डी राइनोसॉर।
तो इनमें से जो ये आपको एनिमल दिखाया गया है ये कौन सा है? राइनो। तो हम टी पर टिक लगाएंगे। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.2 थी, आप इसे ध्यान से समझेंगे और फिर अपने बुक में से फिर भरेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए